दशहरा पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस समय मैं करनाल में दशहरा ग्राउंड में हूं और सुबह के बज गए हैं 9। हालांकि दशहरा बहुत भीड़ लेता है, मेला बहुत बड़ा हो जाता है शाम को, तो मैंने कहा मैं सुबह सुबह ही आपको बताऊं और दिखाऊं। ये मैंने एक हॉर्न सा लिया है, उसको बजा के मैंने दिखाया, ये बच्चों के लिए लिया है मैंने। आइए देखते हैं मेले की कुछ झलकियाँ। यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो लगाए गए हैं, और सुबह जो लोग आते हैं वो पूजा करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ इस समय भी है मगर उतनी नहीं है जितनी शाम को हो जाएगी। देखिए, ये लोग भी हैं और ये रावण का पुतला है और साइड में मेघनाथ का है, उधर कुंभकर्ण का है। तो घर बैठे बैठे मैंने आपको दशहरा पर्व का ये मेला दिखाया है। आप सबको इसकी शुभकामनाएं हो और आप बच्चों को लेके ज़रूर जाएं। आजकल ज़माना या टाइम चेंज हो गया है, हम मेलों से बड़ा दूर होने लग गए हैं, सारा दिन सेलफोन या टेलीविज़न पर ही रहते हैं। आपको दिखाऊं, बच्चों को पता लगना चाहिए। हर साल मैं हमारी संस्कृति और सभ्यता पर्व को मनाने के लिए आया करता हूं कि हम कैसे हैं, ये हमारे साथी दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है। देखिए, ये दोस्त हैं, कितने खूबसूरत जो हैं पुतले बनाए गए हैं चारों तरफ, मैंने आपको घुमा के दिखा दिया है। लोग जो हैं चारों तरफ मैंने घुमा के दिखा दिया है, बड़ी उत्सुकता से पूजा कर रहे हैं। आइए दिखाता हूँ बाहर किस प्रकार की दुकानें लगी हैं। आज जो छोटा छोटा काम करते हैं उनको बिजनेस मिलेगा, वो बिक्री करेंगे कई तरह के सामान जो मुख्यतः बच्चों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए भी हो सकते हैं। अपने बच्चों के संग इस त्यौहार को मनाएं और उनको मेला में ज़रूर लेके जाएं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।